हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बम्फाड़ा एजुकेशन एंड वी आर हियर विद ईवीएस बुक लिविंग प्लेनेट, अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 3 डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। एंड नाउ वी आर इन यूनिट 5, जस्ट कंप्लीट यूनिट 4। नाउ 5 थिंग्स वी मेक एंड डू, क्या चीज हम बनाते हैं और क्या करते हैं। चैप्टर नंबर 17, पॉटरी। पॉटरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, मृद भांड कहते हैं, ठीक है, पॉटरी। अब वार्म अप, व्हाई वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट्स गेट कूल्ड। तो ये आपको बता रहा है कि पूछ रहा है कि पानी जो अर्थन पॉट, मिट्टी के घड़ों में भी पानी रखा हो तो ठंडा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं हवा पास होने के लिए, ठीक है। देयर आर लिटिल स्पॉट्स होल्स इन दी पॉट्स, वो ऐसे दिखते नहीं है लेकिन वो इतने अच्छी तरीके से बने ताकि उससे क्या होता है, अंदर का जो वो है ठंडी रहती है और हवा पास, इससे क्या होता है, पानी कूल रहता है। अर्ली ह्यूमन्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो अब चैप्टर में चलते हैं, जो पहले के आदमी थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या मूव करते रहते थे, जाते आते जाते रहते थे, ठीक है। वो एक जगह पर ही नहीं रहते थे, अलग अलग जगहों पे आना जाना लगे रहता था। दे डिड नॉट नो अबाउट एग्रीकल्चर, उनको खेती के एग्रीकल्चर के खेती के बारे में नहीं पता था। एंड यूज टू ईट वट एवर दे कुड फाइंड, और जो कुछ भी उन्हें मिलता था वो खा लेते थे, चाहे घास पत्ते हों चाहे जानवर हों, जो मिलता था खा लेते थे। आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन एट वन प्लेस, कुछ समय बाद, सेटल डाउन मतलब एक जगह वो क्या हो गए, उधर के निवासी बन गए, वहीं पर बस गए। दे बिल्ट होम्स एंड स्टार्टेड टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले टू कुक देयर फूड, उन्होंने क्या करा, उन्होंने घर बना लिए। दे बिल्ट होम, घर बना लिए, स्टार्टेड टू मेक पॉट्स ऑफ, और वो क्या हुए, बर्तन बनाने लगे, किसके, मिट्टी के, ताकि उनका खाना पक सके। अ पॉट वॉज मेड बाय जस्ट पुशिंग इन टू अ बॉल ऑफ वेट क्ले और बाय मेकिंग लॉन्ग स्ने ऑफ क्ले एंड सिंपली कॉइलिंग इट इन टू द शेप ऑफ अ पॉट। तो पॉट कैसे बनाया जाता था, जो बाय पुशिंग इन टू अ बॉल ऑफ वेट क्ले, जो गीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, चिपचिपी सी मिट्टी, उसकी बड़ी सी बॉल बना करके, और या उसका बड़ा सा सांप बना करके, एंड सिंपली कॉइलिंग, और उसको कॉइलिंग, कॉइलिंग क्या होती है, जो आप जाली सी बनाते हैं, ठीक है, कॉइल करना, एक दूसरे के ऊपर परतें चढ़ाते हैं जो, ठीक है, उसको वो उसके हिसाब से वो क्या करते थे, उसको आकार देते थे। द आर्ट ऑफ मेक थिंग्स फ्रॉम क्ले, और यही जो आर्ट है, जो कला है मेकिंग, मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से क्ले, मतलब कोई बर्तन बनाने की, चिकनी मिट्टी से कोई, उसकी कला को हम कहते हैं पोटरी, यानी बर्तन बनाने की कला या मिट्टी के बर्तन। क्ले इज ए स्टिकी वेट टाइप ऑफ सॉइल, और क्ले क्या है, चिपचिपी, स्टिकी मतलब चिपचिपी और गीली, ठीक है, भीगी हुई मिट्टी की कॉयल है। When the wheel was invented, अब wheel क्या है, जो पहिया, पहिए का जब आविष्कार हो गया, pottery become easy and faster, तो pottery जो मिट्टी बनाने का वो क्या हो गई, सरल हो गई और तेज हो गई। The first wheels were slow, but then the fast wheels were used, जो पहले जो wheel थे, पहिए थे, वो कहते हल्के, मतलब धीरे धीरे उनसे होता था काम, लेकिन जैसे ही तेज फास्ट भागने वाले पहियों का इस्तेमाल होने लग गया। द फास्ट व्हील प्लेटफॉर्म विच स्पिन्स लाइक आ टॉप, तो जो तेज भागने वाले पहिए थे, बहुत तेजी से जो घूमते थे, उन वो ऐसे माध्यम थे, प्लेटफॉर्म के माध्यम, विच स्पिन्स लाइक आ टॉप, जो बहुत तेजी से घूमते थे टॉप की तरफ। लंप ऑफ क्ले पुट इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन द व्हील इज गिवन अ पुश टू इट, जब स्पिन किया, मतलब घुमाव किया जाता था घूमने के लिए, तेजी से वो करा जाता था, तो एक बहुत बड़ा आटे का लच्छा, जो जैसे कहते हैं वैसे ही मट्टी का, ठीक, चिकनी मिट्टी का लच्छा, उसके सेंटर प्लेटफॉर्म जो माध्यम होता था पहिया, उसमें रखा जाता था। द पॉटर यूजेस हैंड टू सेव द लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, और जो पॉटर कौन है, मिट्टी का जो मृद भांड बनाने वाला है, ठीक है, कास्ट, वो है काश्तकार, वो क्या करता था, अपने हाथों से उसको शेप देता था, आकार देता था लंप को, जो गुच्छा मिट्टी का जो गुच्छा है, ठीक है, उसको, ताकि वो एक पॉट का, उसको एक घड़े का आकार, बर्तन का आकार दे सके। यूजिंग द फास्ट गुड पॉटर कैन मेक अ पॉट एवरी, तो इस फास्ट व्हील का, तेज पहिए का इस्तेमाल करके एक अच्छा कुम्हार है या जो शिल्पकार है, वो क्या करता था, बहुत तेजी से एक मिनट में एक बर्तन बना के रेडी कर देता था, तैयार कर देता था। अब यहाँ पर दिखा रखा है स्टेप्स इन मेकिंग अ पॉट ऑन पॉटर्स व्हील, तो स्टेप्स ये देखिए, इधर पर मिट्टी के अंदर लच्छा होकर इसके ऊपर रखा है, धीरे धीरे वो आकार दे रहा है और इस तरीके से इधर बना करके इसने अलग दिखा दिया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स, अलग अलग किस्म के बर्तन, ठीक है, एक है नंबर कॉयल पॉट, मतलब लच्छेदार बर्तन। रिंग्स आर मेड बाय मेकिंग कॉयल्स ऑफ अ क्ले, तो रिंग्स आर मेड बाय मेकिंग कॉयल्स ऑफ, जो इसका क्ले का लच्छा होता था, ठीक है, जो मट्टी होती थी चिकनी, उसमें रिंग्स बनाए जाते थे, मतलब
छल्ले जो हाथ में पहने जैसे रिंग्स बनाई जाती थी अंगूठियों टाइप की, दीज रिंग्स आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर टू मेक, तो ये एक दूसरे के ऊपर रखी जाती थी ये रिंग्स जो छल्ले होते थे ताकि वो एक हम उससे बर्तन बना सके। नंबर दो है बास्केट पॉट्स, ये क्या कटु मतलब बास्केट क्या होता है टोकरी, टोकरी नुमा, फर्स्ट क्ले इज पुट इन अ बास्केट एंड देन द पॉट, पहले क्ले जो मट्टी है उसको एक टोकरी में डाला जाता था ठीक है चिकनी मिट्टी को, और उसके बाद क्या होता था बर्तन बनता था। व्हेन इट इज पुट इनटू फायर, जब इसको आग में डालता बास्केट गेट्स बर्न, तो ये क्या होता जलती थी बास्केट एंड द रिमेन द शेप ऑफ द, और जो टोकरी जल जाती थी और जो बर्तन था उसका शेप उस टोकरी के आकार का ही हो जाता था। पिंच पॉट, पिंच क्या होता है किसी को पिंच करना चोटी काटना, तो उंगली और अंगूठे का काम है ठीक है, इधर पे दिखा द क्ले इज पिंच बिटवीन द फिंगर्स टू गिव शेप, तो ये क्ले जो मट्टी को क्या होते अंगूठे और उंगलियों के बीच में इस तरीके दबाया जाता था जिससे कि वो पॉट का आकार मिल सके, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है धीरे धीरे नीचे का बड़ा और ऊपर उंगलियों और अंगूठे से करके पिंच दबा के ये बनाए जाते थे ठीक है, आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं। यूज ऑफ क्ले इन एवरीडे लाइफ, अब जो इन बर्तनों का या यूज ऑफ क्ले इन एवरीडे जो ये चिकनी मिट्टी है उसका क्या काम है प्रतिदिन की लाइफ में। इन विलेज पीपल यूज अर्थन पॉट्स कॉल्ड हांडीज फूड, तो क्या होता है गाँव में लोग क्या करते हैं मट्टी के बर्तन बनाते हैं जिनको हांडीज कहा जाता है, और इसमें अपना खाना क्या तैयार करते हैं कुक तैयार करते हैं ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन घर, अब जो वाटर है पानी जो मैंने पहले ही बताया था कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हवा पास होती रहती है जिसे पानी अंदर का ठंडा रहता है, तो ये इसमें घड़े में पानी रखा जाता है ठीक है। सम पीपल ड्रिंक टी इन अर्थन कप्स कॉल्ड कुल्हड़, और आपने देखा हो गांव घरों में रेलवे स्टेशन के पास में आजकल बीच में क्या हो थर्माकोल के, जिससे क्या हो रहा था काफी एटमोसफियर जो हमारा पर्यावरण था वो क्या गलत, क्योंकि गलते नहीं है तो ऐसी चीजों से क्या मट्टी के बने हुए कुल्हड़ यूज कर रहे जाते जिसको क्या होता है बहुत जल्दी धरती में ही वापस समा जाता है, अगर उसका यूज कर लिया तो फूट के मट्टी में ही मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट खराब नहीं होगा। कर्ड इज ऑल्सो मेड इन, और दही कर्ड क्या दही भी इन मट्टी के उसमें बनाया जाता है। अभी ये मैनी डेकोरेटेड लाइक एलिफेंट्स हॉर्सेस डॉल्स लैंप स्टैंड एंड आइडल्स ऑफ गॉड्स मेड फ्रॉम क्ले, बहुत ही सजावटी जो सामान है जैसे कि हाथी है घोड़े हैं गुड़ियां हैं और लैंप स्टैंड किसी में मोमबत्ती या दिया रखने वाले स्टैंड, आइडल्स ऑफ मूर्तियां भगवानों की इस जो मिट्टी चिकनी मिट्टी से ही बनाए जाते हैं ठीक है क्ले से। ड्यूरिंग दिवाली दिया मेड फ्रॉम क्ले, और दीपावली में जो दिए हैं तो वो भी चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। दे आर देन पेंटेड टू मेक देम लुक, और इनको क्या होता है बाद में उसके अंदर रंग भरा जाता है जिससे वो आकर्षक लगे ज्यादा। घाटम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो घटम है वो क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संगीत का वाद्य यंत्र है। इट इज पे मेड क्ले पॉट, और ये क्या कहते हैं किसके कैसे बनाया जाता है चिकनी मिट्टी के ही बर्तन से बनाया जाता है, जो इधर पे म्यूजिशियन घाटम को बजाते दिखा रखा है ठीक है, इसमें पानी भरते देखा कुल्हड़ दिखा रखा है क्ले का दिया दिया है। नाउ लर्न दीज टर्म्स, क्या याद करना अर्थन पॉट्स मट्टी का जो बर्तन है क्ले और मट पॉट जिसको चिकनी मिट्टी या मट पॉट मट्टी का बर्तन भी कहते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोइंग एग्रीकल्चर खेती मतलब जिसमें हम फसल उगाते हैं। पॉटरी द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ क्ले, जो ऐसी उससे जैसे क्ले से चिकनी मिट्टी से हम क्या है बर्तन बनाते हैं ठीक है, बर्तन बनाने की कला। घाटा मा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ क्ले, और ये मिट्टी का ही बना चिकनी मिट्टी से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है जिसे घाटम कहते हैं। रिमेंबर क्या आपने याद रखना है, पीपल स्टार्टेड टू मेक व्हेन दे स्टॉप बीइंग नोमेडिक, नोमेडिक क्या होता है बंजारे वाली लाइफ, इन्होंने बर्तन बनाने कब शुरू करा जब इन्होंने बंजारे बना एक जगह से दूसरे घूमना छोड़ दिया और एक जगह ही स्थित हो गए ठीक है, मतलब अपनी जगह वो कर ली। द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ क्ले का पोल्ट्री, जो कला है जो मट्टी से बर्तन बनाने की उसको हम पोल्ट्री कहते हैं मतलब मट्टी बनाने कला। क्ले इज अ स्टिकी वेट टाइप ऑफ सोल, इस तरह की मट्टी होती है जो चिपचिपी होती है और चिकनी होती है ठीक है, गीली टाइप की चिपचिपी और चिकनी मिट्टी। द अर्लीस्ट पॉट्स आर मेड बाय कूलिंग ऑफ क्ले इन टू द शेप ऑफ पॉट्स, जो पहले के वो किससे बनते थे कॉइलिंग करके लच्छे बना करके मट्टी के लच्छे बनाकर और उन घड़ों का उसका बर्तनों का आकार देकर। लेटर ऑन पॉट्स वर मेड ऑन द पॉटर्स, और बाद में कुम्हार का जो चाक आ गया जो पहिया आ गया उसके ऊपर बर्तन बनाने लगे। वेटिंग क्ले शेपिंग द क्ले फायरिंग स्टैम्प मेकिंग, तो क्या मिट्टी को गीला करना उसको क्ले को आकार देना और फायरिंग आग जलाकर ये कुछ कदम है किसके में बर्तन बनाने के। क्ले हैज मैनी यूजेज एंड डेली, और जो ये मट्टी है चिकनी मिट्टी है या बर्तन बनाने मिट्टी इसके जिंदगी में हमारे डेली प्रतिदिन की लाइफ में बहुत सारे उपयोग हैं जो हम इसमें पढ़ चुके हैं,
आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको अपने बच्चों को सही से पढ़ाइए, पेरेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। इसको इजी वे में मैंने समझाया है और मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।